नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शाह एक दिल की बात करने आया हूँ। रिसेंटली मेरे पास काफी पेशेंट्स आ रहे हैं जो मंथ की मेडिसिन, 2 महीने की मेडिसिन लेके जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने वोटिंग के बारे में क्या सोचा, तो उनका कहना है, कोई नहीं सर, ये बार वोटिंग मिस हो जाएगी तो क्या बड़ी बात है। ये सुन के मुझे काफी दुख लगा कि हम अपने वोटिंग जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स को ऐसे ही भूल के छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है हम हमारे वो जूने दिन भूल गए जहां पे हर थोड़े दिनों में ब्लास्ट होते थे। हम लगता है ये भी भूल गए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज कैसे थे। हम ये भी भूल गए कि हम पेमेंट कैसे करते थे। हम ये भूल गए कि हमारी इंटरनेट स्पीड कैसी थी जब 2G का जमाना था। हम ये भूल गए हमारा पासपोर्ट पहले कितने दिनों के बाद आता था। हम ये भी भूल गए हमारी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस कैसी होती थी। हम ये भी भूल गए कि हमारा ट्रेन का सफर कैसा होता था, किस क्वालिटी का होता था, क्या स्टैंडर्ड का होता था, कितनी गंदगी होती थी। हम ये सब चीजें भूल के बस भगवान भरोसे वोटिंग का राइट छोड़ के बाहर जा रहे। मेरी रिक्वेस्ट है हम सभी जनों से कि काइंडली अपने हॉलीडेज को इस तरीके से प्लान करिए ताकि वोटिंग का राइट ना चूको। फिर आगे जाके पछताओगे कि भाई ये कैसी गवर्नमेंट है कि मेरे सुनी नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही नहीं रहा है, मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। सोचिए।